हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हमारे पास 7.5 HP का मोटर है जो CF का है और VFD से चलता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है और एम्पियर है 4.7। तो इतने फ्रीक्वेंसी पे इतना एम्पियर ले रहा है, 4.7 दैट इज़ ओके। पर ये ट्रिप हो रहा है, तो ट्रिप हो रहा है इसका वजह दोस्तों लोड साइड है, क्योंकि लोड ज़्यादा है, CF में ज़्यादा मटेरियल और डेंस मटेरियल हो गया होगा इसके वजह से। तो आइए हम देखते हैं बुक में जो मैनुअल है उसमें फॉल्ट कोड है F002 और उसका दे रहा है, वजह दे रहा है ओवर करेंट है, इसका मेजर भी दे रहा है, चेक द लोड साइड। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे कि हमारे पास 7.5 HP का मोटर है जो CF का है और VFD से चलता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है और एम्पियर है 4.7। तो इतने फ्रीक्वेंसी पे इतना एम्पियर ले रहा है, 4.7 दैट इज़ ओके। पर ये ट्रिप हो रहा है, तो ट्रिप हो रहा है इसका वजह दोस्तों लोड साइड है, क्योंकि लोड ज़्यादा है, CF में ज़्यादा मटेरियल और डेंस मटेरियल हो गया होगा इसके वजह से। तो आइए हम देखते हैं बुक में जो मैनुअल है उसमें फॉल्ट कोड है F002 और उसका दे रहा है, वजह दे रहा है ओवर करेंट है, इसका मेजर भी दे रहा है, चेक द लोड साइड। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हमारे पास 7.5 HP का मोटर है जो CF का है और VFD से चलता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है और एम्पियर है 4.7। तो इतने फ्रीक्वेंसी पे इतना एम्पियर ले रहा है, 4.7 दैट इज़ ओके। पर ये ट्रिप हो रहा है, तो ट्रिप हो रहा है इसका वजह दोस्तों लोड साइड है, क्योंकि लोड ज़्यादा है, CF में ज़्यादा मटेरियल और डेंस मटेरियल हो गया होगा इसके वजह से। तो आइए हम देखते हैं बुक में जो मैनुअल है उसमें फॉल्ट कोड है F002 और उसका दे रहा है, वजह दे रहा है ओवर करेंट है, इसका मेजर भी दे रहा है, चेक द लोड साइड। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।